अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज से मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी ठंड हो गई है सुबह से ना, बिल्कुल चेंज हो गया है मौसम। तो हस्बैंड यही कह रहे थे कि अब भाई निकाल लें आप सर्दियों के कपड़े, क्योंकि मौसम एकदम ही चेंज हो जाएगा, फिर धूप लगाने का भी टाइम नहीं रहेगा। नाश्ते से फारिग होकर किचन समेटा मैंने, फिर मैंने मंगवाई हुई थी चिकन, तो मैंने कहा लो ये भी धो के रख दूँ, तो चिकन धो के रखी मैंने। धो के रख दो, फ्रीज हुई भी होती है ना तो मसला नहीं होता, निकालो और पका लो। फ्रूट भी ख़त्म हो गया था सारा, तो मैंने इनसे आज फ्रूट भी मंगवाया। अनार ग्रेपफ्रूट बहुत अच्छा आ रहा है, और ग्रेपफ्रूट का जब तक सीज़न होता है ना तो मैं इसका जूस ज़रूर पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये, क्योंकि ये वेट लूज़ भी करता है और वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, इसी सीज़न में अच्छा लगता है। वैसे तो ये मिल जाता है ऑफ सीज़न में भी, लेकिन इसका जो सही टेस्ट होता है ना वो सीज़न में होता है, तो मैं इसको ज़रूर इस्तेमाल में रखती हूँ। बस किचन से फारिग होकर मैं आ गई थी अंदर, अंदर की मैंने साफ़ सफाइयाँ करी सारी अपनी रूटीन की, कि दिन इतने छोटे हो गए हैं टाइम का पता ही नहीं लगता है। और मुझे आज फिर काम करना था, सर्दियों के कपड़े निकालने थे, बड़ा काम है ये। तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी, सारे के सारे काम हो जाएँ तो फिर जल्दी से मैं फिर अपनी दो छत्ती का सामान निकलवाऊँ उनसे। इतने छोटे दिन हो गए हैं, किसी की कॉल आ जाए ना, अगर मैं एक कॉल भी रिसीव कर लूँ बात करने बैठ जाऊँ तो टाइम का पता नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना टाइम मैंने ज़ाया कर दिया, ऐसा जाता है टाइम। बस रूटीन के कामों से फारिग होकर फिर हम दो छत्ती के सामान में लग गए थे, हस्बैंड ने सारा सामान उतार के दिया। हमारे यहाँ कोई स्टोर नहीं है ना, दो छत्ती में हम सामान इस तरह ही रखते हैं पैक करके। स्टोर होता है तो इंसान अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के काम करता रहता है। अब दो छत्ती से तो ये उतार के देते हैं सामान, तो मैं रखती हूँ नीचे, रखवाती हूँ नीचे, उतरवाती हूँ, तो दो छत्ती पे हम इस तरह पैक करके रखते हैं सारा सामान। फिर सर्दियों के सामान सारा निकाल लिया था, तो मैंने इनसे कहा कि पूरा ही सामान उतार लिया, तो हम अच्छी तरह सफाई कर देते हैं दो छत्ती की। इसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया था, पैकेट सारे खोल के मैंने कपड़े फैला दिए थे ड्राइंग रूम में, लेकिन सुबह उसको धूप आएगी तो सुबह लगाऊंगी, धूप का टाइम तो निकल गया था, तो सुबह लग डालूंगी सारे धूप में। अब लग रही थी हल्की फुल्की भूख और शाम की चाय का टाइम हो गया था, तो चाय के साथ फिर मैंने ये चीज़ें रखी हुई थी कि निकाल ली थी कि ये खा लेंगे चाय के साथ। खाने में मैंने आज कुछ बनाया ही नहीं था, टाइम ही नहीं मिला, इतना अच्छा खासा टाइम लग गया था हमें सारा समेटने में ही। फिर पुरानी सफाइयाँ करी, कितनी डस्ट हो जाती है इस तरह का कोई काम आप फैलाएं तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। तो मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया था, हस्बैंड से मैंने ही कहा रात की कढ़ाई रखी हुई है, ग्रीन चिली कढ़ाई बनाई थी वो रखी हुई है, तो मैंने कहा वही गर्म कर लूँगी, साथ में पराठे बना लूँगी। तो हस्बैंड के लिए मैंने पराठे बना लिए थे, अपने लिए मैंने रोटी बना ली थी। और सही बात है, जब रखा हुआ है तो क्या ज़रूरत है बनाने की भाई। आज की मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आज वॉइस करते हुए काफ़ी शोर हो रहा था, क्योंकि हमारी लाइट गई हुई थी तो बहुत शोर की आवाज़ें आ रही थी, तो इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। और अब दें मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।